तो ये हम लोग को काफ़ी अच्छा मतलब ट्रेनिंग दिए और हम लोग इस काम को सीखे हैं। उनके चाचा भी थे जो जयदेव बघेल, वो भी एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे। हाँ, जैसे वो बच्चे लोग अगर अच्छा बना लेते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन के रूप में उन्हें शाबाशी भी देना चाहिए कि हाँ ये बना सकते हैं। मूल रूप से ये जो महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा डोकरा शिल्प कला पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है इतिहास से विद्यार्थियों को परिचित कराना, साथ ही साथ स्किल तकनीकी से विद्यार्थियों को परिचित कराना, तकनीकी प्रदान करना, ताकि विद्यार्थी आगे चल करके इसे अपने व्यवसाय के रूप में या सेल्स मैनेजमेंट के रूप में इसको अपना सकें और साथ ही विद्यार्थी जो हैं अपनी कला से इतिहास से परिचित हो सकें। इसी उद्देश्य को लेकर के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को 11 दिवसीय रखा गया है। डोकरा शिल्प से हमको छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन संस्कृति उसको जानने का मौका मिल रहा है, आदिवासी संस्कृति को प्रमोट करने का मौका मिल रहा है, इसको हम देश विदेशों में इसका प्रचार कर सकते हैं क्योंकि हम युवा हैं और इसकी महत्व को समझ के हम इसका प्रचार कर सकते हैं और आदिवासी संस्कृति को प्रमोट करने के साथ साथ हम इन लोगों की जो हमारा जो कल्चर है वो हम लोगों को बता सकते हैं। ये जो बस्तर आर्ट है वो विलुप्त होता हुआ जरूर है, लेकिन इसमें जो है आर्थिक आगे जो है जो आने वाले जो बेरोजगारी की जो दिनों में है, जो कहते हैं कि अभी जो है बेरोजगार, जैसे कि देश की जो जनसंख्या निरंतरता बढ़ती जा रही है, तो हर एक को जो है गवर्नमेंट जॉब या किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जॉब नहीं मिल सकती। ये जो है स्टूडेंट के लिए आगे चल के, क्योंकि इसके जो क्रियाशील है मतलब जो शिल्पकार है, वो जो शिल्पकार हैं वो लोग कहना चाहिए कि उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और शिक्षित नहीं हैं, और जो शिक्षित जो व्यक्ति है इस आर्ट को सीख कर उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो ये चला गया है, लेकिन उसको और भी ऊंचाई तक वो पहुंचा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि जहां भी जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि आजकल जो है लैंग्वेज जो है इंग्लिश होती जा रही है, और जो अभी जो आए थे जो यहाँ इसके जो प्रसिद्ध जो शिल्पी है जो है राजेंद्र बघेल जी, वो बताए कि मैं सिर्फ चौथी तक ही पढ़ पाया हूँ ऐसे करके। तो आप हमसे उन्होंने ये कहा कि अगर आप इसे जो सीखते हैं तो आने वाले वक्त में आप इसको और भी ऊँचाई तक लेकर जा सकते हैं। जैसे कि ये प्रोसेस है पूरे 12 दिनों में, ये जो बड़ी सी मूर्ति है वो 12 दिनों में बनकर जो है लगभग कम्प्लीटली तैयार हो जाती है। तो इस जो जटिल प्रक्रिया के बाद ये जो तैयार होती है, 12 दिन का इसमें टाइम लगता है और एक के बाद एक स्टेप के तहत ये तैयार होती जाती है। तो इसमें जो है 12 दिनों का तो जो है, लेकिन उसमें जो मटेरियल तैयार होते हैं उसकी कॉस्ट भी उतने ही हाई होते हैं, और ये आने वाले जो है यंग जो जनरेशन के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत अच्छी है इस क्षेत्र में, और आने वाले वक्त में इससे बहुत रोज़गार मिल सकता है अगर हम आने वाले जो है टाइम पे अगर जॉब ना करके, ये जो है अभी तो लगा है ये 15 दिन का कार्यशाला, अगर आप स्वयं से आना चाहे तो हमें ऑफर किया गया है कि वहाँ पर आप आ सकते हैं और वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके आगे के लिए अपना जो है करियर इसमें बना सकते हैं।